हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल आई एम गोर स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ मच अमाउंट ए फिजियोथेरेपिस्ट कैन अर्न थ्रू होम विजिट्स Let us divide this question in two sections that how much a physiotherapist can earn in a rural area and how much a physiotherapist can earn in an urban area. सो इन एन अर्बन एरिया जहाँ के पेशेंट्स पेएबल होते हैं कैन पे यू मच मोर देन पेशेंट्स इन रूरल एरियाज लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सिटीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट के नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होती है सो इन एन अर्बन एरिया यू कैन अर्न मिनिमम ऑफ फाइव टू सेवन हंड्रेड पर होम विजिट विच कैन गो अप टू रुपीज़ टू पर होम विजिट सो दिस इज़ डर इन अर्बन एरिया इन रूरल एरियाज़ पेशेंट्स को फ़िजियोथेरेपी के बारे में पता ही नहीं होता है और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है क्योंकि मैं एक टाउन एरिया में से ही हूँ यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट्स को फिजोथेरेपी रेफर ही नहीं करते उनकी सर्जरी के बाद तो उसकी वजह से पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनको फ़िजियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं तो सर्जरी के बाद पेशेंट इमोबलाइज होता है और वो वही पोजीशन में फिक्स हो जाता है उसके बाद वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लेता कोई फिजियोथेरेपिस्ट उसका होम विज़िट भी नहीं करता क्योंकि उसको रेफ़र किया नहीं जाता डॉक्टर से तो उसकी वजह से पेशेंट को फिजिथेरेपी के बारे में अवेयरनेस नहीं होता और फिजियोथेरेपिस्ट को होम विज़िट्स काफ़ी कम मिलते हैं यहाँ पर फिर भी इन ए रूरल सेटअप ए फिजियोथेरेपिस्ट कैन अर्न अप टू रूपीज फाइव हंड्रेड पर होम विजिट तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है कहाँ पे 2000 और कहाँ पे 500 हंड्रेड लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अर्बन एरियाज में फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से कंपटीशन भी ज्यादा होती है और रूरल एरियाज में खैर कंपटीशन तो होता ही नहीं है लेकिन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी रेफर ही नहीं किया जाता उसकी वजह से होम विजिट्स भी कम होते हैं रूरल एरियाज़ में आर आर वेरी लेस फिजियोथेरेपिस्ट हु रिलाई ऑन होम विजिट्स मल्टीपल इनकम सोर्सेज फॉर फिजियोथेरेपिस्ट तो फिजियोथेरेपिस्ट होम विजिट पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है उसके अलावा वो खुद का क्लिनिक भी चलाता है तो अगर आपको टोटल इनकम ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट जानना है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो वो वीडियो को आप जरूर से चेकआउट करना तो यही सब था आज की वीडियो के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो डू गिव इट ए थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल तो यही सब था आज की वीडियो के लिए मीट यू सून इन दी नेक्स्ट वीडियो टिल दैन टेक केयर बाय बाय